तो क्या हाल है गाइस, स्वागत है यार तुम्हारा मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, एक और नया व्लॉग और हम वापस। तो यार आज जो है सैटरडे है और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सैटरडे को क्या कर रहा हूँ, मैं तो संडे को व्लॉग बनाता हूँ। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि आज हम लोग एक ट्रिप के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। एंड वो ट्रिप कहीं और की नहीं, उत्तराखंड की होने वाली है। और तुम समझ ही सकते हो कि यार सर्दियों में उत्तराखंड, मतलब समझ रहे हो, एक लेवल के मज़े, एक लेवल की ठंड, मतलब एक नंबर, समझ रहे हो। तो फिर मज़ा आ जाएगा यार इस पूरी ट्रिप पे। और मैंने सोचा कि यार ट्रिप तो मार ही रहे हैं तो व्लॉग भी बना ही देंगे। तो हमारे पिछले 2 संडे से व्लॉग नहीं आ रहे हैं और इस, मतलब इस वाले हफ्ते में तो लगा लो तीन तीन चार व्लॉग भी आ सकते हैं एक ही हफ्ते में। ऐसा कुछ सीन बन रहा है, समझ रहे हो। तो भाई यही थी बात, ठीक। बाकी तो यार अभी मैं उठा ही हूँ, 9 बज रहे हैं, मैं जस्ट अभी उठा, अभी मुंह भी नहीं धोया, देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वैसे भी स्मार्ट लगते हैं यार, क्या ही टेंशन है। तो कोई टेंशन नहीं भाई। तो अभी मुंह धोते हैं फटाफट से, ठीक है। और उसके बाद यार बहुत सारी पैकिंग करनी रह रही है अभी भी। कुछ चीज़ें ऐसी है जो भाई मेरे बैग में तो जा ही नहीं रही है, इतनी जगह ही नहीं बची। तो अभी मुझे वो भी लगानी है, मतलब समझ रहे हो। तो पूरी पैकिंग वगैरह तगड़ी सी करते हैं, उसके बाद जो है यार निकलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं, वो सारे भी काम पूरे करने हैं, ठीक है। तो यार पहले, सबसे पहले पैकिंग वगैरह पूरी कर लेते हैं और जो भी काम रह रहे हैं उनको पूरा कर लेते हैं, एंड उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे, ठीक है गाइस। तो चलो, तो गाइस फाइनली जो है पैकिंग वगैरह हम लोग ने कर ली है। तो तुम देख सकते हो मेरा जो बैग है भाई कितना मोटा हो गया है और मतलब काफ़ी भारी हो गया यार, तुम यकीन नहीं करोगे भाई। एक हफ्ते के कपड़े हैं इस बैग में, ठीक है। तो एक नंबर भाई, सही पैसा लगाया मैंने इस बैग पे भाई। बाकी अगर तुम देखो तो हमारी घर की लेडीज़ के कुछ ज़्यादा ही बैग्स हैं, ठीक है। और तुम्हारे भाई का अकेला बैग है, देख रहे हो तुम, अकेला। तो मतलब मज़ा ही आ गया भाई। तो यार अभी जस्ट, तो भाई अभी जस्ट पापा जो है वो ऑटो लेने गए हुए हैं, एंड जैसे ही वो आते हैं हम लोग सारा सामान रखेंगे एंड निकल पड़ेंगे। एंड फिर दिखाता हूँ यार आपको, बढ़िया बढ़िया पहाड़ दिखाऊंगा फिर, ठीक है। तो अभी चलते हैं फटाफट से, पापा आने वाले हैं, मैं जूते पहन लेता हूँ और निकलते हैं। ओके चलो। तो गाइस फाइनली हम लोग ISBT पहुंच चुके हैं और पीछे देख सकते हो ये ISBT का स्टेशन है। आई डोंट नो आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट अभी ऑटो में से सामान उतार रहे हैं और अभी अंदर जाते हैं, ठीक है। और मेरे ताऊ भी आ रखे हैं तो फटाफट से चलते हैं भाई, वो भी वेट कर रहे हैं बहुत देर से। तो चलते हैं फटाफट से अंदर, लेट्स गो। गाइस यार हम लोग जो है बस में बैठ चुके हैं, ठीक है। दिख गया होगा आप लोग को, मैं बस में बैठ रहा हूँ। ये देखो, ये मेरी मम्मी, ये मेरी बहन लेट रखी। तो गाइस हम लोग बस में बैठ चुके हैं और बस जो है अब ISBT से निकल चुकी है। तो गाइस यार अभी जो है बस रुकी हुई है कहीं पे, पता नहीं कौन सी जगह है ये, देख लो बहुत सारी बसें रुकी हुई है, ठीक है। तो हम भी यहीं पे रुके हुए हैं और अभी चाय वगैरह पीते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। और अभी तो आगे की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और भाई जैसे ही जो है यूपी पार हुआ है भाई, उसके बाद जो ठंड लगना चालू हुई है, समझ रहे हो तुम लोग। मैंने देखो हाथों में ग्लव्स पहन रखे, अंदर से भाई लगभग 3-4 लेयर पहन रखी कपड़ों की, फिर भी ठंड लग रही। तो भाई मतलब एक अलग ही लेवल की ठंड सी है। और भाई यहाँ पे लगभग लगभग आधा घंटा रुकेंगे और खाना वाना खा लेते हैं, एंड उसके बाद तो अभी बहुत लंबा रूट है। तो टेंशन मतलब तुम्हारा भाई सारा कुछ दिखाने वाला है तुम्हें इसी वीडियो के अंदर, ओके। तो अभी खाना वगैरह खा लेते हैं एंड चलते हैं आगे की तरफ और फिर मिलते हैं, बाय। तो बॉयज़ यार मैं पहुंच चुका हूँ यार अभी ऋषिकेश, और ऋषिकेश में भाई इस समय का जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री पे हो चुका है। और यहाँ भाई हम लोग पहुँच गए थे यार 2:30 बजे, ठीक है। और अभी जो है यार 3 बजने वाले हैं, तो अभी हमें यहाँ पे 4 बजे तक वेट करना होगा, बिकॉज़ क्योंकि यार यहाँ पे जो है 4 बजे के बाद जो है पहाड़ों पे गाड़ी चलती है। और अगर मैं तुम्हें पहाड़ों की बात दिखाऊँ तो अंधेरा हो रहा है भाई, अंधेरे में तो पहाड़ भी नहीं दिख रहे मेरे को। और सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, 6 डिग्री सेल्सियस हो रखा भाई, 6 डिग्री। और
मतलब ठंड लग रही है भाई। और देखो मैं तुम्हें भाप मार के दिखाता हूँ, तो कैमरे में इतना नहीं पता चला होगा पर भाई मुंह से भी धुआं निकला है, ठीक है, और ठंड सी हो रखी है। और भाई खास वीडियो बनाने के लिए मैं लाइट के पास आया था, ठीक है, मेरी बस जो है आगे साइड खड़ी हो रखी है, मैं पीछे जहाँ पे लाइट है वहाँ पे आ रहा हूँ क्योंकि अंधेरा बहुत है, रात के 3 बज रहे हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा। बाकी तो यार ठंड बहुत लग रही है भाई, 6 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो गाइस मम्मी जो है चाय लेने गई हुई है, तो मैं चाय पी लेता हूँ यार जाके पहले, ठीक है, और उसके बाद जब सुबह हो जाएगी पहाड़ आ जाएंगे तब वीडियो शूट करूँगा, ठीक है, एंड तब दिखाता हूँ यार पहाड़ों की हसीन वादियाँ, ठीक है। तो लेट्स गो गाइस, टाटा। तो गाइस अब निकल रहे हैं यहाँ से और अब बच चुके हैं 4, ठीक है, अब यहाँ ऋषिकेश से निकलते हैं और श्रीनगर चलते हैं सीधा। तो मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी लग रही है? अच्छा तो भाई ठंड भी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो चलो चलते हैं, अभी तो रात हो रही है, जैसी सुबह होगी तब पहाड़ दिखाते हैं आपको, ओके। तो चलो यार गाइज़, फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, हम लोग जो है श्रीनगर पहुंच चुके हैं गाइज़। और अब जो है यार अपनी दीदी के घर जा रहे हैं और उनको थोड़ा सा सामान देना, तो चलते फटाफट उनके यहाँ, ठीक, ओके, चलो। तो गाइज़ अभी हम अपनी दीदी के यहाँ जा रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा सामान देना, उन्होंने कुछ मंगवाया था तो वो चीज़ उन्हें दे के आते हैं, ठीक है। बाकी पापा और ताऊ ऊपर वेट कर रहे हैं क्योंकि उन पर सामान है तो वो लोग ऊपर हैं, और मुझे पता नहीं तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा है भाई थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच गए भाई यहाँ पे। वैसे 7 या 8 बजे पहुंचना था हमने, पर हम लोग 6 बजे ही पहुंच गए यहाँ पे, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब बाकी तो सभी आ रहे हैं, तो चलो यार फटाफट से दीदी के घर चलते हैं। तो गाइस यार हम लोग मौसी के घर भी आ चुके हैं और चाय वगैरह पी ली है, ठीक है। अब जो है सुबह हो गई है क्योंकि उस टाइम पे जब हम आए थे जब थोड़ी रात थी, अब सुबह हो चुकी है थोड़ी सी, तो अब फटाफट से ऊपर जाते हैं बिकॉज़ हमारे पापा और ताऊ जी इंतज़ार कर रहे होंगे, ठीक है भाई। तो बाकी मैं तुम्हें व्यू दिखाता हूँ यहाँ से सामने का। बाकी भाई मेरे मौसी के घर से सामने का व्यू बहुत गहरा आता है, बाकी तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो कोहरा ही कोहरा हो रहा पीछे बिल्कुल, ऐसे मतलब मस्त सा मौसम हो रहा है, समझ लो। बाकी तो ऊपर भी देख लो, तो पहले मैं तुम्हें यहाँ से दिखाता हूँ 1 मिनट। तो भाई तुम सामने देखोगे, सामने तो तुम्हें नदी भी दिखेगी हल्की हल्की, ठीक है, ये देखो, ज़्यादा जूम नहीं करूँगा भाई पिक्सल फट जाएंगे, तो इस साइड देखो नदी दिख रही है हल्की हल्की, ठीक है गाइस। बाकी भाई देखो ऊपर दिख रहा है भाई, कोहरा ही कोहरा हो रखा, कोहरा ही कोहरा, तो भाई खतरनाक ही सीन है भाई सुबह का तो। और भाई यहाँ पे भी जो है अभी 7 से लेके 6-7 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है इस टाइम पे भी, तो भाई यहाँ पे भी इस टाइम पे 6-7 डिग्री टेम्परेचर है, और तुम समझ सकते हो मतलब किस लेवल की ठंड है, मुंह से भाप भी निकल रही है, ये देखो। बाकी तो ये रही हमारी नेहा दीदी, कहाँ जा रही हो? ओके बाकी हाँ चलो गाइस छत पे, तो गाइस तुम्हें छत का व्यू दिखाते हैं, छत से भी बढ़िया व्यू दिख सकता है, 1 सेकंड, चलो गाइस छत में दिखाते हैं तुम्हें व्यू। ओके भाई क्या बात है, क्या बात है। तो भाई मतलब मेरे सामने अगर तुम देखोगे ना, तुम्हें मतलब जन्नत सी दिख जाएगी, तुम भी कहोगे यार आशु भाई तुमने क्या ही व्यू दिखा दिया, मतलब देख रहे हो, तो देखो यार पीछे भाई क्या ही खतरनाक व्यू, भयंकर, एक नंबर, कोहरा ही कोहरा भाई चारों तरफ। अगर तुम मेरी नजर से देखोगे ना, तुम्हें एक कोहरा दिख जाएगा, बाकी तो वीडियो में इतना खास नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी तो यार यही सीन है, जो भी है अभी चलते हैं फटाफट से ऊपर, ठीक है। और मैं यार रोहित को दिखाता हूँ तुम्हें, क्योंकि रोहित पहली वीडियो से कह रहा था कि मुझे अपनी व्लॉग में लियो, बट अभी वो सो रखा है और हमें जाना है फटाफट से, तो उसे भी वीडियो में ले लेते एक बारी, ठीक है। तो चलते नीचे, चलो। तो गाइस यहाँ पे रोहित सो रहा, तो रोहित तेरे घर आया है, ठीक है, बाद में मिलेंगे तुझसे,
तो बाय बाय टाटा सी यू ओके चलो। तो गाइस अब जा रहे हैं हम घर, थोड़ा सा निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है बाकी हम फिर आएंगे यहाँ पे दोबारा से। एंड अभी चलते हैं यार फटाफट से, तो चलते हैं और क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस, इतना ही रखते हैं यार इस व्लॉग को, ठीक है वरना व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस, तुम्हें अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना भाई मुझे, ठीक है। बाकी तो यार ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ऐसा मत सोचना कि यहीं तक व्लॉग खत्म है, नहीं व्लॉग अभी आगे भी आएंगे, बस यार अभी इसलिए नहीं बना रहा, व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि जल्दी आ जाएगी, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू लव यू टाटा, चलो।